हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर ऑनलाइन साइंस क्लास फॉर फोर्थ स्टैंडर्ड। टुडे इज़ वी डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ सेकेंड चैप्टर। सो यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। एक्सरसाइज टाइम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों, मैं ये कहूँगा कि इसके हम आपको एक PDF भेजेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। हम केवल बहुत ही मार्जिनली करेंगे, बाकी सब आपको करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर नोन एज प्लांट्स, यानी कि वे पौधे जो कि ज़मीन पे उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेरिस्टेरियल कहते हैं। ठीक है, उसे टेरिस्टेरियल प्लांट्स कहते हैं। सेकेंड है, अ प्लांट अडेप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इट्स। ठीक है, यानी कि एक प्लांट्स जो कि अपने जलवायु दशाओं के अनुसार अडेप्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड, द ट्रीज ग्रोइंग इन हैव मैनी ब्रांचेज, यानी कि वो पौधा जो कि कहाँ उगता है तो उसकी कई सारी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे फिल इन करोगे। फोर्थ, फ्लोटिंग प्लांट्स आर एंड टू फैसिलेट फ्लोटिंग। ठीक है, यानी जो फ्लोटिंग प्लांट्स में वो ऐसी कौन सी दो चीज़ें होती हैं जो कि उसके तैरने में मदद करती हैं? आप यहाँ पे फिल इन करोगे। इन अ प्लांट्स द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पीचर लाइक स्ट्रक्चर, तो वो कौन सा पौधा होता है जिसमें पत्तियाँ एक मॉडिफाइड यानी बदल गई होती है एक पीचर लाइक स्ट्रक्चर में? तो आप उसे यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। टेक द करेक्ट आंसर। ए, वन, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स, तो इसमें अंडर वाटर प्लांट्स का कौन उदाहरण है? लोटस है। बी, वाटर हाइसिंथ है। या सी, हाइड्रिला है, तो इसमें मार दे रहे हैं एक हाइड्रिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ दिस प्लांट्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसमें वो कौन सा पौधा है जो दूसरों स्रोतों से फूड प्राप्त करता है? तो माउल्ड है। ए, बी, वाटर लेट्यूस है या कैक्टस है, इसे आपको स्वयं करना है। थर्ड, विच ऑफ दिस ट्रीज हैज लीव्स दैट आर वैक्सी एंड नीडल लाइक, तो कौन सा पेड़ है जिसकी जो पत्तियां होती हैं वो वैक्सी होती हैं, नीडल लाइक की होती हैं? कोकोनट है, नीम है या उसी सेडार है? ठीक है, आप इसे करेंगे। विच ऑफ दिस प्लांट्स हैव लॉन्ग हॉलो लाइट एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, तो किसकी स्टेम होती है जो कि ऐसी होती है, लॉन्ग होती है, हॉलो होती है, लाइट होती है? ए, अंडर वाटर प्लांट्स की। बी, फिक्स्ड प्लांट की। या सी, फ्लोटिंग प्लांट्स की। ठीक है, तो आप इसे अपने से करोगे। डी है, डिस्कस इन क्लास प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स लिव टुगेदर इन हार्मनी शेयरिंग ऑल द रिसोर्सेज टुगेदर, what can we learn from this quality of the earth? So ये हम discuss करेंगे class में when you come। इसका मतलब यही कह रहा है कि बहुत सारे जो कई तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं और कई resources को मिलकर share करते हैं, तो उनकी इन quality से हम क्या सीख सकते हैं? ठीक है, आप सोचिएगा एंड देन यू कम इन क्लास टेल मी। डू एंड लर्न में हम देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। इसमें आपको वेब चार्ट एक दिया गया है जैसा कि अब तक दिया जा रहा है। इसमें आपको क्या करना है, टेरिस्टेरियल प्लांट्स हैं और इनके टेरिस्टेरियल प्लांट्स के बारे में आपको लिखने हैं। ये देखिए, डेजर्ट के बारे में यहाँ तो लिख दिया गया है। फिर इस क्या है, इसमें क्या भरा जाएगा और इसमें क्या भरा जाएगा? ठीक है, ये आप अपने से करेंगे। ये रहा एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, उनके क्वालिटीज़ क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उन्हें आप ऐसे लिखोगे, वो कौन कौन से प्लांट्स हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में भी। फाइंड आउट द नेम ऑफ द 10 प्लांट्स इन द गिवन ग्रिड, द नेम्स मे रीड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे 10 प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, ये जो एक ग्रिड यह दिया गया है, और उसके नाम हो सकते हैं फॉरवर्ड में हो सकते हैं शायद, और बैकवर्ड में हो सकते हैं, क्रॉस में भी हो सकते हैं। तो आप इसमें 10 जो प्लांट्स हैं उन्हें आप निकालने का प्रयास कीजिएगा।
प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ है, सो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ टुडे विल बी। ये देखिए एक सेडार है, SEDAR, ठीक है। ऐसे ही 9 हैं जो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। सो चिल्ड्रन, दिस लेसन इज़ कम्प्लीट हियर विद एक्सरसाइज। सो टेक केयर एंड थैंक यू।